हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम क्लास टेंथ के फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक पर जो न्यूमेरिकल्स है सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम उसके जितने एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो सब हम सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, मेरे बोर्ड में क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं, आप बुक से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन हम अपने चैप्टर में आपको समझाए हैं, जो थ्योरिटिकल पार्ट के चैप्टर में आप पढ़े हैं वहां से आप उसको रिविजन करिए और पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के बाद, फार्मूला लर्न करने के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम लिखते हैं गिवन, कि क्या क्या हमको गिवन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ओ इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। या अपन ओ से जीरो के साथ डाउट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं H1 इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u ऑलवेज माइनस होता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस आर मिरर। फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका जो फोकल लेंथ है वह 10 सेंटीमीटर है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको उसका साइज फाइंड करना है कि कितना लेंथ ऑफ द इमेज, ये हमको फाइंड करना है, और उसका नेचर और रे डायग्राम भी हमको ड्रा करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें फार्मूला लगाते हैं 1/f, फोकल लेंथ का फार्मूला हमको पता है, सिंस 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर हम सबसे पहले v फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि v फाइंड होगा तभी उसका नेचर कहाँ पर है ये पता चलेगा। तो v भी फाइंड कर लेते हैं, v हमको फाइंड करना है। v फाइंड करने के लिए u को इधर ट्रांसफर कर लें, तो दैट इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। दैट इम्प्लाइज विथ साइन कन्वेंशन हम इसके वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। तो फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1/10, और प्लस यू का वैल्यू है -25, तो 1/-25, ये दैट इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। दैट इम्प्लाइज को हम सॉल्व कर लें, 1/v इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 50, ठीक है 50 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 5 5 -2, दैट इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू 3/50, देयरफॉर इसको हम रेसिप्रोकल कर लें तो v इक्वल टू मिल जाएगा 50/3। 50 में 3 को डिवाइड कर दें हम कैलकुलेटर से तो हमको मिल जाएगा 50/3 16.67 सेंटीमीटर। देखिए इसका वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ से क्या पता चलेगा कि लेंस, आपको पता है लेंस इस तरह से होता है और इमेज इधर बनेगा। अभी मैं रे डायग्राम ड्रा करूँगा इसके लिए, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ इमेज। तो अपने को पता है फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर का या लीनियर मैग्नीफिकेशन का, एम इक्वल टू होता है H2/H1, दैट मीन्स लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू V/u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट इम्प्लाइज वैल्यू पुट अप कर दें H2 और H1 का, अपने को वैल्यू का पता है 5 इक्वल V का वैल्यू, V अपने को मिल गया 50/3, 50/3 इज V, और U का वैल्यू अपने को पता है कितना -25। दैट इम्प्लाइज को सॉल्व करें H2 के लिए, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा 50/3
माइनस इंटू 25 अपॉन 1 है तो आएगा 1 अपॉन 25 और ये जाके डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन 5। क्लियर, दैट इम्प्लाइज एच टू इक्वल टू ये 2 तो माइनस 2 अपॉन 15 दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व कर लें, 2 में 15 को डिवाइड कर दें, 50 अपॉन 3 माइनस 25 माइनस 2 अपॉन 3 और कैंसिल आउट हो रहा है माइनस 50 अपॉन 3। यू का वैल्यू कितना है अपने पास माइनस 25। क्लियर, फाइव को ट्रांसफर किए ना अपन, सॉरी ये फाइव तो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा ना, फाइव मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव, सॉरी ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लें तो 10 अपॉन 3 नहीं क्या होगा माइनस 50 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 5 25 टू जा 10 अपॉन 3 माइनस 10 अपॉन 3 10 में 3 अपन डिवाइड करें माइनस 10 अपॉन 3 तो आ जाएगा 3.33 आएगा एंड सो वन, ये सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका लेंथ ऑफ इमेज निगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा और u का जो वैल्यू वी का जो वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स अपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। ये पूरे कंडीशन को लेके यदि हम डायग्राम ड्रा करें तो मैं इरेज कर रहा हूँ बोर्ड को, यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा ये आप देख लीजिए, इसको आप लर्न कर लीजिए नोट कर लीजिए, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ और नए डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए इस कंडीशन का एक सिंबॉलिक रे डायग्राम किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपको एक कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस आपको बनाना है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट है लेंथ ऑब्जेक्ट जिसको हमने क्या लिया है एच वन, एक रे आप क्या करेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके एक रे ड्रा करेंगे और एक ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, इस तरह से हम इंसिडेंट करेंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखो, इसका जो डिस्टेंस है माइनस 25 है। क्लियर, और ये इसका डिस्टेंस है 16, मतलब वो साइड डिस्टेंस में है, ये इसके कंपैरिजन में साइड डिस्टेंस में है, इमेज मतलब पहले बनेगा और क्या होगा देखिए, अभी हमने उसका इमेज का लेंथ निकाला था 3.33 और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं अपने पास, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, मतलब इसे स्मॉलर, तो स्मॉलर इमेज बनाना है तो आप पहले से स्मॉलर इमेज बना दीजिए इस तरह से, उससे छोटा इमेज हो गया क्योंकि ये 5 है 3.3 है और यहाँ से रे को इंसिडेंट करके आप ले जाएंगे ऐसा, तो ये इमेज का पोजीशन होगा, ये H2 होगा, ये इसका फोकस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस होके जाएगा, ये फोकस के बाहर बनेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है U अपने पास के माइनस 25 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से, देख लीजिए ये है जब ऑब्जेक्ट क्या होता है 2R के बाहर होता है, R के बाहर होता है मतलब बिटवीन R एंड इन्फिनिटी, इस तरह से इसका रे डायग्राम बनेगा। क्लियर, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन के साथ में यदि आप वैल्यू को पुट अप नहीं किए तो एक भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आएगा, इस चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा केयर करने का मैटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टेटमेंट आप सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, गिवन क्या है ये देखिए आप और कौन सा फार्मूला यूज होगा ये आपको पहले डिसाइड करना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट रीड करता हूं मैं, आप बोर्ड से पढ़िए देखिए,
ये कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यहाँ क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। फॉर्म इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर्म द लेंस, लेंथ ऑफ इमेज h1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का इमेज बनाता है। हाउ फार इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट कितने दूर में है ये अपने को पूछ रहा है। ड्रा द रे डायग्राम, और रे डायग्राम ड्रा करने के लिए बोल रहे हैं, क्लियर। तो f इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, v इक्वल टू माइनस 10, क्वेश्चन में बोला है सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एन इमेज 10, सॉरी ये सेंट वी दिया हुआ है, साइज नहीं दिया है, इतने दूर में है बोल रहे हैं उसको, ठीक है, इतने डिस्टेंस में है, आप स्टेटमेंट देख लीजिए। तो यह तो डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, यहाँ से हमको वी फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, तो यू को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, दैट इम्प्लाइज 1/u इक्वल टू 1/v का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 पुट अप कर दिया, और माइनस ये माइनस है, विथ साइन पुट करेंगे माइनस 15, दैट इम्प्लाइज 1/u इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, दैट इम्प्लाइज 1/u इक्वल टू, यहाँ LCM हो जाएगा 30, क्लियर। तो 10 3 जा प्लस 2, दैट मीन्स 1/u इक्वल टू 5/30, दैट मीन्स 1/6, दैट इम्प्लाइज u इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये u का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर क्या आया इसका, यहाँ साइन कन्वेंशन वी कौन सा लेंस बोला है, कॉनकेव लेंस, यहाँ पर देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, और आपको याद होगा सिक्स पोजीशन में पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट इधर होता है, इमेज में ही बनता है, दोनों निगेटिव होते हैं, ये साइंस कन्वेंशन हमने यहाँ पर गलत कर दिया। देखो ये माइनस टेन होगा, इसका वैल्यू माइनस टेन पुट करेंगे, माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/30, दैट मीन्स -30। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन को आपको प्रॉपर यूज़ करना है, कॉनकेव लेंस की बात किया है, और कॉनकेव लेंस में यू वी दोनों निगेटिव होते हैं, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज होता है। इसका भी रे डायग्राम बनाने के लिए बोला है, तो रे डायग्राम हम बना सकते हैं इस तरह से, देखिए मतलब कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बनाना है बस, ये सबसे पहले आप ये कॉनकेव लेंस बना लेंगे, ये तो प्रैक्टिस हम पहले जब पार्ट में आपको करा चुके हैं, ये हो जाएगा, ये एक इंसिडेंट रे लेंगे और ये कन्वर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा सॉरी, और हम उसी टाइम में इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। दूसरे रे को हम कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, ये सीधी निकल जाएगी, ये इसको हमने पीछे बढ़ाया है, और ये होता है इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका इमेज होता है, इस तरह से इसका फिगर बनेगा, क्लियर। ये यहाँ पर देखिए u माइनस 30 सेंटीमीटर, मतलब ये है, ये 30 लिखेंगे हम, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, ये 30 होगा, और हमने v का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 10, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो 10 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर होगा, फोकल लेंथ इसका किधर होता है, इस साइड में होता है, तो वो भी निगेटिव होता है, क्लियर। तो ये इसका रे डायग्राम बनेगा, इस तरह से आपको गिवन के बाद बस वैल्यू पुट अप करना है, और साइन कन्वेंशन को आपको प्रॉपर यूज करना है, साइन कन्वेंशन में मिस्टेक हुआ मतलब पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, आप रीडिंग करिए इसका स्टेटमेंट।
क्वेश्चन नंबर 12. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर. देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है, मिरर का क्वेश्चन है. और अपने को गिवन क्या है, देखिए u कितना डिस्टेंस में रखा है, तो u तो निगेटिव ही होगा, u ऑलवेज निगेटिव होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, u का वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि वो तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस और मिरर ही होता है. फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देखिए फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है. कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इस तरह से इसका फोकल लेंथ उस साइड में होता है, तो फोकल लेंथ इधर क्या होता है उसका पॉजिटिव, मतलब ये प्लस होगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिख दिया मैंने, क्लियर. ये 15 सेंटीमीटर होगा. फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का पोजिशन फाइंड करना है और इसका नेचर, नेचर तो वी के आंसर से पता चल जाएगा. तो यहाँ पर हम मिरर फार्मूला लगाएंगे. अब मिरर फार्मूला में क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v होता है, यहाँ प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है. दैट इम्प्लाइज 1/f = 1/f का वैल्यू वी फाइंड करना है, v के लिए सॉल्व कर लो इसको पहले, 1/v इसको इधर ट्रांसफर कर लें, तो 1/f - 1/u. That implies 1/v = 1/f क्या है 15, ये 15 हो गया, माइनस 1/u का वैल्यू -10, विथ साइन पुट कर दिया -10. दैट इम्प्लाइज 1/v = 1/15 + 1/10. दैट इम्प्लाइज 1/v = यहाँ पर भी एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 2 + 3. दैट इम्प्लाइज 1/v = 1/6. दैट इम्प्लाइज v = 6 सेंटीमीटर. देखिए पॉजिटिव आया है, तो नेचर कैसा होगा, आपको पता है कि इस तरह से यदि कॉन्वेक्स लेंस हो ऐसा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये v का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा इंसिडेंट रह के साइड में, तो नेचर क्या हो जाएगा उसका, नेचर देखो वो इरेक्ट होगा, ठीक है, ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा इसलिए वर्चुअल होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बिहाइंड मिरर, ठीक है, इरेक्ट वर्चुअल बिहाइंड मिरर. देखिए इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर देन साइन, ठीक है, या बिहाइंड मिरर या बैक ऑफ द मिरर होगा. कैसे पता चला, आपको समझ में आया ना, पॉजिटिव साइन से पता चला. सपोज ये निगेटिव होता तो सब इधर बनता, और ये पॉजिटिव ही से सब मिरर के उस साइड में बना हुआ है. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में ये जो क्वेश्चन आपको पूछता है वो सब का आंसर यहाँ से अपने को पता चल जाता है उसके साइन से. तो इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि आपको साइन कन्वेंशन प्रॉपर क्लियर नहीं है तो इस तरह का कोई भी आंसर आप नहीं दे पाएंगे, क्लियर. और रे डायग्राम की प्रैक्टिस होना चाहिए कि किस पोजीशन में किस तरह से इमेज बनता है. तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का, 12 नंबर, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 रीड करिए आप. स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 13, ये तो डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन है. द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए प्लेन मिरर इज +1. हाउ डज द, इसका मीनिंग पूछ रहा है. देखिए अपने को पता है H2/H1, ये गिवन है कितना 1. दैट इम्प्लाइज H2 = H1. तो क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल. बस इतना ही पूछा है उसका नेचर कि किस तरह से होगा. व्हाट डस दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेज आर इक्वल, क्लियर. तो जब भी लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होता है तो दोनों के साइज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो 13 तो ऐसी एक लाइन का आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ दैट मीन्स H1 कितना है 5 सेंटीमीटर
प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिरर क्या है, कॉन्वेक्स है। यू इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर में रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनसाइड होगा, इस तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 30 हो जाएगा। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज दैट मीन्स वी, इमेज कहाँ बनेगा ये पूछ रहा है। इट्स नेचर एंड साइज, इसका नेचर और साइज, साइज मीन्स हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, एच टू फाइंड करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, एच 5 सेंटीमीटर, यू माइनस 20, आर कॉन्वेक्स, किस तरह की मिरर की बात किया है, कॉन्वेक्स मिरर, देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा, तो रेडियस तो इस साइड में होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक। साइन कन्वेंशन किस तरह से आप फिगर से एक बार समझ लेना, तभी समझ में आएगा वो। ये साइन कन्वेंशन जरूर आप मिरर बना के देख लो, ये कॉन्वेक्स मिरर है ऐसा होगा, यदि ये कॉनकेव मिरर रहता इस तरह से, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता तब वो माइनस आर होता, तो आर प्लस है यहाँ पर, दैट मीन्स फोकस भी प्लस है, यहाँ पर क्या है, फोकस माइनस होगा इसमें। इसको आप लर्न कर लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है और रेडियस वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कॉनकेव मिरर का दोनों निगेटिव होता है, जबकि लेंस में जस्ट अपोजिट होता है, क्लियर, ये ध्यान रखना आप, ये मिरर की बात है। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, मिरर फार्मूला, सिंस 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ पर भी आप ध्यान रखना कि लेंस के लिए फार्मूला यूज कर रहे हो कि मिरर के लिए, यहाँ पर जनरली कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस में, दैट इंप्लाइज हमको सॉल्व करना है किसका, वी का वैल्यू, यू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1/f ये ट्रांसफर हो रहा है, माइनस 1/u, दैट इंप्लाइज 1/v इक्वल टू, अपने को पता है कि f इक्वल टू को होता है r बाई 2, दैट मीन्स 1/f इक्वल टू 2/r, तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, 2/r माइनस 1/u, दैट इंप्लाइज वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो 1/v इक्वल टू 2/r का वैल्यू अपने को पता है 30 माइनस 1/u, u पता है कितना, माइनस 20, क्लियर, दैट इंप्लाइज इसको सॉल्व कर लें तो 1/v इक्वल टू ये हो जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20, दैट इंप्लाइज 1/v इक्वल टू यहाँ 60 एलसीएम हो जाएगा, ये 60 तो 15 फोर जा ये हो जाएगा 4 प्लस ये 3, दैट इंप्लाइज 1/v इक्वल टू 7/60, दैट इंप्लाइज वी इक्वल टू 60/7, दैट इक्वल 60 में 7 अपन डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर इसका, किसका, वी का। अब नेचर पूछ रहा है तो देखिए ये पॉजिटिव आया है, तो मिरर को एक बार इमेजिन करिए आप, किस तरह की मिरर की बात किया है, वो कॉन्वेक्स मिरर की बात किया है ये। अब यहाँ पर वी का वैल्यू पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो नेचुरली इमेज इधर बना है, तब तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इधर इमेज नहीं बन सकता उसका, पॉजिटिव उस साइड बना है, तो इसका कैसा हो जाएगा, इसका नेचर वर्चुअल होगा क्योंकि उधर बना हुआ है। और साइज की बात करें हम, तो साइज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा किसका, लीनियर मैग्निफिकेशन का, दैट मीन्स m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू v/u, दैट इंप्लाइज h2 फाइंड करना है और h1 का वैल्यू अपने को गिवन है कितना, 5, दैट इक्वल इसका v का वैल्यू, v का वैल्यू कितना गिवन है अपने को,
अभी हमने फाइंड किया वी का वैल्यू ये 60/7 ही लिख देता हूँ इसको मैं 60/7 u का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया है कितना -20 दैट इम्प्लाइज इसको सॉल्व करते हैं मिरर के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है मिरर के लिए वो क्या होता है ऑब्जेक्ट ऊपर होता है इमेज नीचे होता है तो यहाँ पर माइनस साइन पहले से होता है ठीक है फार्मूला में ही तो माइनस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा H2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होगा 60/7 इंटू 1/20 और 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से तो H2 इक्वल टू इसको अपन सॉल्व करते हैं ये और 2 3 जाता 5 3 जब 15 अपॉन 7 15 में 7 को अपन डिवाइड करें तो 2.1 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा किसका लेंथ ऑफ इमेज तो साइज उसका साइज कितना हो जाएगा 2.1 नेचर कैसा होगा उसका वर्चुअल होगा ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 आपको साइन कन्वेंशन को बस आपको प्रॉपर ध्यान रखना है यहाँ पर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा ऐसा भी आप लिख सकते हैं जो इमेज वर्चुअल होगा वो तो ऑब्वियसली क्या होगा इरेक्ट होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट आप रीड करिए बोर्ड से और गिवन देखिए क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 15 एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर ये गिवन है ऑब्जेक्ट का साइज दैट मीन्स H1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इस प्लस 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर यहाँ पर ध्यान रखिए ये है -27 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर है यहाँ पर मिरर इस तरह का है ना ऐसा मिरर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अब फोकल 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इधर इसका निगेटिव होता है फोकल लेंथ ये हो जाएगा -18 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के लिए ही फिगर को आपको इमेजिन करना पड़ेगा -18 सेंटीमीटर एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड मतलब स्क्रीन मतलब स्क्रीन कहाँ इमेज बनेगा उसको स्क्रीन बोलते हैं ये अपने को फाइंड करना है सो दैट ए शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज इसका साइज फाइंड करना है ये और इसका नेचर लगभग वैसी क्वेश्चन है जैसा भी हमने बनाया है अभी बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है ठीक है तो यहाँ पर गिवन को आप देख लीजिए H1 7 सेंटीमीटर गिवन है F -18 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर है भी आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं क्या मिरर फार्मूला सिंस वी नो दैट 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V दैट इम्प्लाइज 1/F इक्वल यहाँ हमको फाइंड करना है V का वैल्यू तो V के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/V इक्वल टू 1/F माइनस 1/U दैट इम्प्लाइज 1/V इक्वल F का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे अपन तो 1/-18 माइनस 1/U का वैल्यू -27 दैट इम्प्लाइज 1/V इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27 दैट इम्प्लाइज 1/V इक्वल टू 27 और 18 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 54 ये 54 एलसीएम आ जाएगा 18 3 जा -3 प्लस 27 2 जा ये दैट इम्प्लाइज 1/V इक्वल टू -1/54 क्लियर तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा -54 इसको रेसिप्रोकल कर दें दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू -54
सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो वी का वैल्यू फाइंड हो गया, करने के लिए बोलता है तो वही फार्मूला लगाएंगे क्या, एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू वी अपॉन यू। इसके वैल्यू आप इसमें पुट अप कर दीजिए, एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू वी अपॉन यू, और ये मिरर के लिए है तो क्या हो जाएगा माइनस फार्मूला में, दैट इंप्लाइज एच टू अपॉन एच वन का वैल्यू कितना है 7, दैट इक्वल माइनस v का वैल्यू ये हमने फाइंड किया माइनस 54 अपॉन u का वैल्यू। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन के लिए अलर्ट करना, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। h2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो जाएगा माइनस 54 अपॉन 27 इंटू हो जाएगा 7, दैट इम्प्लाइज एस टू इक्वल टू ए टू जा माइनस 14 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसका साइज आ जाएगा माइनस 14 सेंटीमीटर। अब इसका निगेटिव साइन शो करता है, इमेज इज इन्वर्टेड, क्योंकि जब भी एस टू निगेटिव होगा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, तो इमेज क्या हो गया इसका, इमेज हो गया इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है इसलिए क्या हो गया वो रियल इमेज होगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज होता है। तो ये साइन देख के अपने को पता चल जाएगा कि माइनस साइन शो करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। ये क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट आप रीड करिए, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर, ये दोनों क्वेश्चन पावर पर बेस्ड है, बहुत आसान है। ये पावर इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, लेंस किस टाइप का होता है होगा बोलता है। तो ये पावर का फार्मूला अपने को पता है, एक एक लाइन के क्वेश्चन देखें, पावर इक्वल टू होता है 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर, दैट इंप्लाइज इसको हम सॉल्व करें एफ के लिए, एफ इक्वल टू होगा 100 अपॉन पी, दैट इंप्लाइज ये 100 अपॉन पावर कितना है माइनस 2, मतलब माइनस 50 सेंटीमीटर। तो निगेटिव साइन है, अब फोकल लेंथ का निगेटिव आना मतलब किस तरह का लेंस होगा, वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव, ठीक है, ये लेंस हो गया कॉनकेव। कैसे पता चला, माइनस साइन देख के, तो ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो नेचर ही पूछा, फोकल लेंथ भी पूछेगा, तो 50 सेंटीमीटर का क्या है वो कॉनकेव लेंस है। और ऐसी 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी दो लाइन का है तो बहुत आसान है, बस नेचर बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, पावर इज प्लस 1.5 डायोप्टर, यहाँ पर पावर प्लस है, फाइंड द फोकल लेंथ। ये तो बस ऐसी क्वेश्चन है, भी कुछ नहीं, यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, फोकल लेंथ इक्वल टू आएगा 100 अपॉन पी, दैट इंप्लाइज 100 अपॉन 1.5, 100 में 1.5 डिवाइड करिए कितना आता है 66.7 सेंटीमीटर। लेंस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि क्या है ये पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स लेंस, वो डॉक्टर उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा 66.7 सेंटीमीटर का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन तो इजी है बट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको साइन कन्वेंशन को प्रॉपर ध्यान देना, ठीक है, ओके, थैंक यू।